नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। मैं इस समय मौजूद हूँ आईटीओ चौक पर, जहाँ पर देखिए गाड़ियों की पूरी तादाद लगी हुई है। दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को देखते हुए एक बार फिर से 13 नवंबर को ऑड इवन फार्मूला लागू करने जा रही है। यह फार्मूला 5 दिन तक लागू रहेगा। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता का इस पर क्या राय है। ये 13 नवंबर से ऑड इवन फार्मूला लागू होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? होना चाहिए क्योंकि काफी स्मोक हो रहा है और शायद इसी से कंट्रोल हो रहा है। क्या पिछली बार तो 15 दिन के लिए लागू हुआ था, लेकिन ऐसा कोई मतलब पॉल्यूशन कम नहीं हुआ था, तो क्या उम्मीद करते हैं इस साल? हो सकता है शायद इस बार जाए, क्योंकि इस बार दिवाली पे भी कम पॉल्यूशन हुआ था। काफी यंग है आप, हर दिन आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती होगी, क्या आपको दिक्कत नहीं होगी इससे? हो सकती है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी फैमिली। दिल्ली सरकार को कितना नंबर देंगे 10 में से इस फार्मूले को लेकर? फार्मूले को मैं 9 दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ये दिल्ली सरकार को 9 नंबर दे रहे हैं, काफी सराहनीय है। आइए ऑटो वाले से पूछते हैं। देखिए 13 नवंबर से ऑड इवन फार्मूला लागू होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? आप भी तो चांदी होने वाली है, कमाई बढ़ जाएगी आपकी, तो केजरीवाल को धन्यवाद कहना चाहेंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फार्मूला लागू होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? गलत है, नहीं लागू होने चाहिए, जो पॉल्यूशन बढ़ना चाहिए। पॉल्यूशन उससे भूलना अकेले बढ़ता, और भी तो रीजन है। और भी रीजन है क्या? आने जाने में परेशानी होगी, बाइक के लिए तो शायद नहीं लागू है, बाइक के लिए भी लागू है। अच्छा अच्छा, तो मतलब दिल्ली सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? तो दिल्ली सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गाड़ियाँ पॉल्यूशन दिल्ली का थोड़ी ना क्रिएट किया हुआ है, पॉल्यूशन तो आउटसाइड का काम करना, पॉलिसी बनाना तो गवर्नमेंट का काम है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो स्टेट लेवल पे तो गवर्नमेंट ही, स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन है ही, बताओ स्टेट लेवल पे फॉर्मूला लागू भी नहीं होना चाहिए, केजरीवाल गलत भी है, ऐसा कर रहे हैं केजरीवाल ने, सेंट्रल लेवल पे फॉर्मूला अप्लाई किया रेडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए और ग्राहकों से बात करते हैं। बात करोगे मैडम? बात करेंगे आप, पहुंच कर लेते हो ना, लागू होने जा रहा है, तो क्या खुश हैं आप इससे? करना चाहिए सबके लिए, अच्छा है जी, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, हमारा रनिंग टाइम कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा जी, आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, जल्दी पहुंचेंगे हम। क्या एक दिन आपको 45-50 मिनट पब्लिक कन्वेंस या शेयरिंग ऑटो आप करने के लिए रेडी हैं? जी जी, ये तो इनका कहना है कि केजरीवाल सरकार जो ऑड इवन 13 नवंबर को लागू कर रही है वो पूरी तरह से सही है। और भी लोगों से जानते हैं दिल्ली की जनता की क्या राय है, आप बताइए कुछ। 13 नवंबर से ऑड इवन लागू होने जा रहा है, कितनी परेशानी झेलने के लिए तैयार है यार? ऑड इवन क्या कम नहीं होगा इससे? कम होगा, पिछली बार तो कुछ कम हुआ था, उम्मीद करते हैं। चलो ठीक है, कुछ तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो डेली डायरी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे थे, दिल्ली की जनता की क्या राय केजरीवाल सरकार को लेकर के, और आगे दिल्ली डेली डायरी न्यूज ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहेगा और आपको इस तरह की सारी जानकारियां देते रहेगा। सरकार का फीडबैक भी है, लोगों की एक मत भी है, और लोगों में प्रदूषण के ऊपर क्या और ऑड इवन के ऊपर क्या राय है, ये भी सारी रिपोर्ट आपको इसमें हम दिखाते रहेंगे।